आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोबाइल पे ही आपको SBI कनेक्ट पे एग्जाम पी या फिर लेट पी या फिर रीअसेसमेंट आंसर बुक की पी हो या फिर फोटोकॉपी की हो या फिर रिहर्सल की हो भरेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में जान कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, SBI कलेक्ट की साइट पे जाना है। गूगल पे जाके आप जो है सर्च कर सकते हो SBI कलेक्ट, ऐसे करके आप जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से भी आप जो है इस वेबसाइट पे जा सकते हो। उसके बाद आपको जो नीचे नीचे जाना है और यहाँ पे वो आपको बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे जो आपको राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसे आएगा यहाँ पे जो आपको उसलिए यहाँ पे स्टेट डाल देना है अपना, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं यहाँ पे जो है महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आ गया महाराष्ट्र, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे उस पर आपको जो है टाइप ऑफ कॉपरेशन उस पर आपको जो है क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस पर आपको जो है क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखी, यहाँ पे जो है आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट नेम जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके जो यूनिवर्सिटी का जो भी नाम होगा वो आपको डाल देना है। मेरी जैसी अमरावती यूनिवर्सिटी है तो उसका नाम है संत गाड़ी बाबा, तो मैं यहाँ पे संत से क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है संत गाड़ी बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी आ गया है उस पर जो मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, वहाँ पे जो है आपको यूनिवर्सिटी का नाम चेक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी पूरी इन्फॉर्मेशन भर देनी है और यहाँ पे जो है जल्दबाजी में कोई मिस्टेक ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये साइट आपको जो है मिनिमम टाइम में जो है भरनी पड़ती है या फिर आपको जो है फिर से दोबारा दोबारा ऐसे भरनी पड़ेगी, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। यहाँ पे आपको जो है जो स्टार स्टार वाले दिखते हैं वही भरे तो भी चलते हैं, यहाँ पे जो है बिना स्टार वाले नहीं भरे तो भी चलते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है पूरे स्टार स्टार वाली इन्फॉर्मेशन भर लीजिएगा और बिना स्टार वाली नहीं मत भरिए तो भी चलेगा, मगर आपको जो है पूरी अगर आपका जो पेमेंट गलत हो गया अगर ज़्यादा अमाउंट है तो आप जो है पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पे डाल देनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम पूछ रहा है तो आपको जो है फर्स्ट नेम डाल देना है और यहाँ पे मिडिल नेम डाल देना है। उसके बारे में यहाँ पे जो है लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी जो जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे आपको जो है पहले ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है ऐसे आ जाएगी आपके, यहाँ पे आपको जो है टाइप करके नए डालने हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होगा वो आपको जो यहाँ पे डाल देना है, जितना भी होगा ऐसे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम है तो आपकी जो भी एग्ज़ाम होगी, जैसे कि मेरी BE है, जैसे कि मेरी इंजीनियरिंग की है तो मैं यहाँ पे BE डाल दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे सेमेस्टर से चूज़ करना है, जो भी आपका सेमेस्टर होगा वो आपको चूज़ करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे समर और विंटर है तो आपको जो जो समर होगा तो समर डाल दीजिए, विंटर होगा तो विंटर की एग्ज़ाम होगी तो विंटर को डाल लेना है, समर विंटर चूज़ कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे जो है जिस भी ईयर में आप जो है वो फॉर्म भर रहे हो वो ईयर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे कॉलेज नेम है तो आपको यहाँ पे जो है कॉलेज नेम डाल देना है। उसके बारे में यहाँ पे फी टाइप है तो आपके अगर एग्ज़ाम फी होगी तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम फी डाल देनी है, या फिर आपकी जो है लेट फी होगी मतलब वो एग्ज़ाम फी की डेट निकल गई और उसके बाद में यहाँ पे 50-50 रुपये आपको जो है भरने पड़ते हो वो लेट फी है, या तो यहाँ पे लेट फी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी जो है रीअसेसमेंट फॉर आंसर बुक की है तो आपको जो है यहाँ पे रीअसेसमेंट फॉर आंसर बुक सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको जो है फोटोकॉपी की है तो आपको जो है फोटोकॉपी के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जो भी आपकी होगी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है उसकी। तो मेरे एग्जाम पी है तो मैं यहाँ पे एग्जाम पी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर डाल लेना है आपको, उसके बाद में यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी होगी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। लेटर आपको जो है स्मॉल रखना पड़ता है ईमेल आईडी में, तो यहाँ पे जो है पूरे आपको जो है ऐसे स्मॉल लेटर में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है पेमेंट की जो भी डेट होगी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब जो है आज की डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और आपको जो है कितना अमाउंट डालना है, जैसे कि आपकी जो है एग्जाम होगी तो वैरी करती रहती है तो आपको जो है कॉलेज से चेक कर लेना है। आप जो है कम डाली तो आपको जो है दोबारा से भरना पड़ेगा, वो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ कि आपने अगर कम डाली तो आपको जो है दोबारा से पूरी फी भरनी पड़ेगी, वैसे कुछ नहीं है। मगर आपने अगर ज़्यादा भर दी तो आपको जो है वो फी वापस नहीं मिलती, तो आपको जो है ध्यान से यहाँ पर डाल देना है। अगर आपकी रीअसेसमेंट की है तो आपको जो है 200-200 पर सब्जेक्ट के लिए रहती है, तो आपने जितने सब्जेक्ट डाले हैं वहाँ से उससे आप जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे जो है डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है उसके बाद में आपको यहाँ पे रिमार्क डालनी होगी तो आपको जो है डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है पेमेंट डिटेल्स है तो आपको जो है कार्ड होल्डर नेम है तो वो आपको यहाँ पे जो है डाल देना है।
आपको जो जिस भी कार्ड से आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसका नेम जो है यहाँ पे डाल देना है। उसके बारे में यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ, कार्ड होल्डर की आपको जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जो है आपको जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दोबारा ईमेल आईडी पूछेगा, मगर ये वाली ईमेल आईडी होगी वो जो है कार्ड होल्डर की होगी, तो वो आपको जो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है यो ये वाला कोड जो है यहाँ पे आपको डाल देना है। पूरा कैपिटल में है तो आपको यहाँ पे जो है कैपिटल में पूरा डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपको जो भी एरर होगी वो यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब मैंने ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाली है यहाँ पे आपको बताने के लिए। उसके बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है दोबारा से पूरा फॉर्म दिखेगा, उस पर आप जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। उसके बाद नीचे जो है कन्फर्म पे आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे पेमेंट मेथड दिखेगा, उसके बाद आपको जो जो भी पेमेंट मेथड है उससे जो आपको पेमेंट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपके जो है पेमेंट कैसे करेंगे वो तो आपको पता ही होगा, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है कार्ड नंबर आपको डालना है, उसके बाद में एक्सपायर डेट डाल देना है, उसके बाद CVV डाल देना है। उसके बाद आपको पे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है ऐसी पूरी आपको जो है लोड होके यहाँ पे जो है OTP के लिए पूछेगा, आपको एक OTP आएगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे मेक पेमेंट है उस पर आपको जो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको पेमेंट रिसीव दिखेगी, मगर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा वो आप मोबाइल पे भर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको पेमेंट रिसीव जो है डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है। DU नंबर का जो है स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। उसके बाद आपको जो है पेमेंट की रिसीप्ट जैसे ऐसे दिखेगा, मगर ये पेमेंट की रिसिप्ट नहीं है। अगर आपको ये पेमेंट रिसिप्ट मिल भी गई तब भी आपको जो है पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये पेमेंट रिसिप्ट मिलने के बाद भी आपको जो है एक बार अपनी जो है बैलेंस चेक कर लेना आपके अकाउंट का, वो कटा होगा तो आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। अगर अभी तक नहीं कटा है तो आपको जो है पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी, मगर ये वाला जो है इस पर पेमेंट नहीं हुआ है तो ये आपको जो है काम की नहीं होगी। तो उसके लिए आपको जो है चेक कैसे करते हैं कि आपका जो है रिसिप्ट ड्यू नंबर से कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका कब पेमेंट हुआ है। तो वहाँ से जो है आप अपनी रिसिप्ट मोबाइल पे डाउनलोड नहीं कर सकते, मगर आपको जो है वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करके आप जो है कंप्यूटर पे आपकी पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो भी चलेगा, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सुझाव तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और मेरे चैनल PhDP क्रिएशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो।